आने की शुरुआत होती है 1931 के पेरिस शहर में, जहां पेपिलॉन नाम का एक शातिर आदमी रहता था जो किसी भी ताले को खोलने में माहिर था। एक दिन चोरी के बाद उसने हीरे अपने बॉस को दिए तो उसका बॉस पूछने लगा कि कहीं तुमने थोड़े बहुत हीरे रख तो नहीं लिए, लेकिन पेपिलॉन ने साफ इनकार कर दिया। तभी उसके सामने एक बुरी तरह जख्मी आदमी को लाया गया और बॉस ने उसे धमकी देकर कहा कि मुझसे झूठ बोलेगा ना तो ऐसा हाल कर दूंगा। ये देखकर पेपिलॉन थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो अपने काम के पैसे लेकर वापस चला आया। वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड नैनिटी से मिलने पहुंचा और उसे कुछ हीरे तोहफे में दिए जो उसने अपने बॉस से छिपा लिए थे। उसी पल एक आदमी ने छिपकर नैनिटी के हाथ में वो नेकलेस देख लिया। खैर, फिर उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी और नैनिटी ने कहा कि वो जुर्म की इस दुनिया से दूर अपना एक छोटा सा घर बसाना चाहती है। पर अगली सुबह अचानक उनके घर पुलिस आ गई और उन्होंने पेपिलॉन पर उसी आदमी के कत्ल का इल्जाम लगाया जिसे उसके बॉस ने पीटा था। पेपिलॉन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस वाले उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गए। पेपिलॉन समझ गया था कि ये पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए उसे इस जेल से भागना ही होगा। इसके बाद पेपिलॉन ने जूलॉट नाम के एक कैदी से दोस्ती की। जूलॉट ने उसे बताया कि यहाँ से भागने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। फिर उसने डेगा नाम के कैदी की तरफ इशारा करके कहा कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। असल में डेगा के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर एक दिन वो नकली नोट बनाता पकड़ा गया। खैर, फिर सभी कैदियों को कश्ती के जरिए पीनल कॉलोनी नाम की एक जेल में भेज दिया गया। जब रात हुई तो पेपिलॉन ने डेगा से कहा कि मैं पैसों के बदले में जेल में तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ, लेकिन डेगा ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। उस रात सोते समय डेगा ने देखा कि किसी ने उसके साथ सो रहे कैदी का बेरहमी से कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने अपने पेट में पैसे छिपा रखे थे। ये देखकर डेगा बुरी तरह डर गया और अगली सुबह उसने पेपिलॉन की शर्त मान ली। शर्त के मुताबिक पेपिलॉन डेगा की सुरक्षा सिर्फ तब तक करेगा जब तक वो जेल नहीं पहुंच जाते। असल में डेगा पेपिलॉन के साथ जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी पत्नी उसे जल्द ही छुड़ा लेगी। खैर, सबके सोने के बाद कल रात वाला हत्यारा आज डेगा की जान लेने आ गया। वो डेगा को मारने ही वाला था कि अचानक पेपिलॉन ने आकर उसकी जान बचाई। उसने हत्यारे की जमकर धुलाई की, लेकिन जल्द ही ऑफिसर्स को इसकी खबर मिल गई और उन्होंने पेपिलॉन को कड़ी सजा दी। पर पेपिलॉन को इस बात की खुशी थी कि जिसने उसे पैसे देने हैं वो जिंदा है। अगली सुबह वो सब पीनल कॉलोनी जेल पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक जूलट ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया ताकि उसे क्लिनिक में भर्ती कर दिया जाए। असल में वो क्लिनिक से भागने की फिराक में था, क्योंकि वहां सबसे कम पैरा होता है। फिर पेपिलॉन और बाकी कैदियों को इस नई जेल में लाया गया, जहां कई खूंखार अपराधियों को रखा गया था। वहां का वार्डन भी बेहद खतरनाक था और उसने सभी नए कैदियों को बताया कि यहां से भागना नामुमकिन है, तो कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि यही तुम्हारी सेहत के लिए बेस्ट रहेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे 2 साल काला पानी की सजा होगी। अगर दूसरी बार भागते हुए पकड़े गए तो 3 साल की सजा और। लेकिन जो तीसरी कोशिश करता पकड़ा गया, उन्हें डेविल्स आइलैंड नाम की एक जेल में भेज दिया जाएगा, जहां रहकर हर इंसान पागल हो जाता है। और तो और, अगर किसी ने कोई कत्ल किया तो सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर उठाने का काम मिला। कुछ दिन बाद पेपिलॉन की मुलाकात एक कश्ती वाले से हुई। पेपिलॉन ने उसे कश्ती के बदले ढेर सारा पैसा देने का वादा किया और वो मान भी गया। उसने पेपिलॉन को अगली रात किनारे पर मिलने को कहा। तभी अचानक एक खूंखार कैदी को इस प्लान की भनक लग गई और उसने पैसों के लिए डेगा पर हमला कर दिया। पर इस बार भी पेपिलॉन ने उस कैदी को धूल चटाकर डेगा की जान बचाई। ये सब देखकर डेगा को एहसास हो गया कि पेपिलॉन के बिना तो वो यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने भी पेपिलॉन के साथ भागने का फैसला किया। फिर अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया। असल में जूलॉट ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स की हत्या कर दी थी। कुछ ही पलों में उसका सर धड़ से अलग करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसे देखकर वहां मौजूद सभी कैदियों की रूह कांप गई। इसके बाद वार्डन ने पेपिलॉन और डेगा को जूलॉट की लाश शमशान में ले जाने का हुक्म दिया। पर रास्ते में अचानक डेगा उल्टियां करने लगा, क्योंकि उसने आज तक कोई लाश ही नहीं देखी थी। तब पेपिलॉन ने उसे समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक गार्ड ने वहां आकर डेगा को लाश उठाने को कहा, लेकिन जब डेगा नहीं माना तो वो डेगा पर कोहड़े बरसाने लगे। मगर पेपिलॉन से ये सब नहीं देखा गया, इसीलिए उसने गुस्से में एक पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर दे मारा। इसके बाद वो वहां से भाग निकला, लेकिन बेचारा डेगा तो डर के मारे हिल भी नहीं पाया। खैर, रात को पेपिलॉन नदी किनारे कश्ती वाले से मिलने पहुंचा।
जब पेपिलॉन ने उससे कश्ती मांगी तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। पेपिलॉन ने मुड़कर देखा कि गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। तब ये खुलासा होता है कि ये बोट वाला आदमी ही वार्डन को भागने वालों की खबर देता था और इसके बदले में उसे काफी सारे पैसे भी मिलते थे। जल्द ही पेपिलॉन को जेल में वापस लाया गया। वहाँ वार्डन ने बताया कि जिस गार्ड को उसने पत्थर से मारा था वो जिंदा बच गया है, इसलिए पेपिलॉन को मौत की सजा तो नहीं होगी, लेकिन भागने के जुर्म में अब उसे दूसरे टापू पर काला पानी की सजा काटनी होगी। जब पेपिलॉन वहाँ पहुँचा तो वहाँ का माहौल देखकर उसकी रूह कांप गई। पिछली जेल में कम से कम कैदी इधर उधर घूमकर एक दूसरे से बातें तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ उसे एक छोटे से कमरे में बंद रहना होगा, वो भी बिना कोई आवाज किए। यहाँ तक कि इस जेल में तो खुद से बात करना भी एक गुनाह था। इसके अलावा उसे खाने के नाम पर सिर्फ एक बेकार सा सूप मिलता था, लेकिन एक दिन अचानक खाने में उसे एक नारियल मिला। उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा भी था जिस पर लिखा था कि अब से उसे रोज नारियल मिलेंगे। पेपिलॉन समझ गया कि ये जरूर डेगा की तरफ से है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन जल्द ही वार्डन को इसकी भनक लग गई और उसने गुस्से में उस गार्ड को मार डाला जो पेपिलॉन को खाना देने जाता था। इसके बाद उसने पेपिलॉन से पूछा कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन पेपिलॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वार्डन ने गुस्से में कहा कि अब से उसे आधा कटोरा सूप ही मिलेगा। इसी तरह एक महीना बीत गया और अब खाने की कमी की वजह से पेपिलॉन सूख कर कांटा हो गया था। एक दिन वार्डन अचानक उसके लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया और उसे नारियल भेजने वाले का नाम पूछा, लेकिन इस बार भी पेपिलॉन ने मुंह नहीं खोला। तब गुस्से में आकर वार्डन ने उसे बाकी की सजा अंधेरे में काटने का हुक्म दिया। अब पेपिलॉन की हालत बद से बदतर हो गई थी। ना उसे ढंग का खाना मिलता, ना किसी से बात कर सकता और अब अंधेरे की वजह से तो उसे आसपास की चीजें तक दिखाई नहीं दे रही थी। जल्द ही अकेलेपन और भूख की वजह से उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। अब वो इतना कमजोर हो गया कि हिल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इत्तफाक से डेगा भी अब उसी जेल में काम करने लगा था। पिछले एक साल में उसने वार्डन का भरोसा भी पूरी तरह जीत लिया था। एक दिन डेगा पेपिलॉन से मिलने आया और तब उसे पता चला कि पेपिलॉन तो बस पागल होने का नाटक कर रहा था। वो जानता था कि इस तरह वो आम जेल में वापस लौट सकता है। इसके बाद वो दोबारा से जेल से भागने का प्लान बनाने लगे, पर इस बार उन्होंने दो और कैदियों की मदद लेने का फैसला किया। पेपिलॉन ने सिलियर नाम के कैदी को चुना जो काफी हट्टा कट्टा था, और डेगा ने चुना मैचुरेट को जिसे अक्सर सभी परेशान करते थे। अब डेगा ने अपने सारे पैसे सिलियर को दिए जिससे उसने कश्ती खरीदी। फिर अगली रात जब सबको फिल्म दिखाई जा रही थी तभी उन चारों ने भागने का फैसला किया। हालांकि डेगा को काफी डर लग रहा था, लेकिन पेपिलॉन ने उसे समझाया कि यही उनका आखिरी मौका है। इसके बाद डेगा प्लान के मुताबिक फिल्म देख रहे ऑफिसर्स को शराब देने पहुंचा। उसने बड़ी चालाकी से शराब में नशे की गोली मिला दी और फिर मेन दरवाजे की चाबी चुराने के मौके का इंतजार करने लगा। दूसरी ओर पेपिलॉन अपने बाकी साथियों के साथ डेगा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। तभी लाइट चली गई और सीलियर ने कहा कि उन्हें अभी भाग जाना चाहिए, लेकिन पेपिलॉन अपने दोस्त डेगा के बिना कहीं जाने को तैयार नहीं था। खुशकिस्मती से डेगा उसी पल चाबियां लेकर आ गया और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर उन चारों ने दरवाजा खोला और तुरंत जेल से भाग निकले। लेकिन भागते भागते रास्ता खत्म हो गया और अब नदी किनारे पहुंचने के लिए उन सबको नीचे कूदना था। पेपिलॉन, सीजर और मैचुरेट तो कूद कर नीचे पहुंच गए, लेकिन जैसे ही डेगा कूदने लगा अचानक लाइट वापस आ गई। इससे डेगा घबरा गया और धड़ाम से नीचे जा गिरा। अब वो चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए सिलियर ने कहा कि उन्हें डेगा को यहीं छोड़ देना चाहिए, पर पेपिलॉन अब भी नहीं माना। उसने मैचुरेट के साथ मिलकर जख्मी डेगा को सहारा दिया। वो सभी किनारे तक पहुंच गए जहां एक कश्ती उनके लिए तैयार खड़ी थी। वो चारों बिना समय गवाए कश्ती में बैठे और अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ गए। कुछ घंटों बाद जब सूरज उगा तो सिलियर को एहसास हुआ कि वो अब तक ज्यादा दूर नहीं आए थे। तब उन्होंने हिसाब लगाया कि ये कश्ती काफी छोटी है और ये चार लोगों का भार तो नहीं उठा सकती। साथ ही एक भयंकर तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। अब उनके पास समय बहुत कम था, इसीलिए सिलियर ने अपनी ताकत के दम पर मैचुरेट को समुद्र में धकेल दिया और फिर उसने डेगा पर हमला किया, लेकिन पेपिलॉन उसके रास्ते में आ गया और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। सिलियर पेपिलॉन से काफी हट्टा कट्टा था और उसे मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर डेगा ने उसकी पीठ में छुरा घोंप कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर सिलियर को कश्ती से बाहर फेंका और मैचुरेट को वापस ऊपर खींच लिया।
पर कुछ ही पलों में वो तूफान की चपेट में आ गए और चारों तरफ अंधेरा हो गया। जब उनकी आंख खुली तो वो सब एक टापू पर थे। असल में टापू के कुछ लोगों ने उन्हें समुद्र में बहते हुए देखा और उनकी जान बचाई। तभी एक नन ने वहां आकर पेपिलॉन को बताया कि ये टापू कोलंबिया में है। शाम को पेपिलॉन ने डेगा से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए, लेकिन डेगा ने कहा कि अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि अब उनकी डील खत्म हो चुकी है। असल में वो भाग भाग कर थक चुका था। अब वो आराम से अपनी जिंदगी किसी एक जगह पर गुजारना चाहता था। फिर पेपिलॉन मैच्योरिट के पास गया, लेकिन वो भी टापू की लड़कियों पर लट्टू हो गया था। आखिरकार पेपिलॉन ने अकेले ही वहां से निकलने का फैसला किया, पर तभी अचानक उसकी नजर कुछ ऑफिसर्स पर पड़ी और वो समझ गया कि उस चालाक नन ने उनकी खबर पुलिस को दे दी है। अब पेपिलॉन ने फटाफट जाकर डेगा को उठाया, लेकिन उसी पल ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया। तभी उन्होंने मैच्योरिट को पकड़कर गोली मार दी और आखिरकार पेपिलॉन और डेगा को गिरफ्तार करके एक बार फिर से जेल भेज दिया गया। इसके 5 साल बाद हम देखते हैं कि पेपिलॉन ने काला पानी की सजा पूरी कर ली थी और अब उसे डेविल्स आइलैंड जेल में भेजा जा रहा था। लेकिन वहां जाकर पेपिलॉन हैरान रह गया, क्योंकि डेगा भी वहीं कैद था। असल में उसने ऑफिसर्स की शराब में नशा मिलाया था, इसीलिए उसे तो पहले ही डेविल्स आइलैंड भेज दिया गया था। एक दूसरे को पूरे 5 साल बाद देखकर वो दोनों काफी खुश हुए। फिर शाम को दोनों समुद्र किनारे बैठे थे कि पेपिलॉन को एक आइडिया आया। उसने डेगा से कहा कि अगर वो एक छोटी सी राफ्ट बनाए तो समुद्र की लहरें खुद ब खुद उन्हें दूसरे छोर तक ले जाएंगी। पर डेगा ने कहा कि भाई देख, तूने जो करना है कर ले, लेकिन मुझे इससे बाहर रख प्लीज। वो पिछले 5 साल से यहाँ शांति से जिंदगी गुजार रहा था और तो और उसकी पत्नी ने भी किसी और से शादी कर ली थी, इसीलिए अब उसे वापस लौटने में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था। खैर, उसने फिर भी नारियल से राफ्ट बनाने में पेपिलॉन की मदद की। अगली सुबह दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहा और फिर पेपिलॉन राफ्ट समुद्र में फेंक कर उस पर कूद गया। खुशकिस्मती से उसका प्लान कामयाब रहा और लहरें उसे दूसरी ओर ले जाने लगी। उसे जाते देख डेगा की आंखों में भी आंसू आ गए।